नहीं साहब, खेल खत्म, पैसा खत्म, चल पे मुन्ना। मेरी बात तो सुनो, देखो आजाद, बात को समझो। तुम्हें पता नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। क्या कर सकते हैं? अरे अरे, ये जो थोड़े बहुत पैसे तुम्हें मिले हैं वो क्या है? तुम्हें तुम्हें जो चाहिए। इनको तो बस अब आज्ञा चाहिए। गुरु, ये तो गले पड़ गए। मैं पहले ही कह रहा था, पखेड़ा है, मत पड़ो इसमें। पांडे जी, हो गया। अरे अब देखो आजाद, मेरी बात तो सुनो। देखो देखो, तुम्हें यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ। सुभाषिनी, अब तुम ही इसे समझाओ। ये तो अरे मैम साहब क्या समझाएंगे पांडे जी। देखिए मैम साहब, आपने जो काम दिया था वो तो हो गया। अब ठीक है, मैं मानता हूं कि जैसा आपने लिखा था वैसा, मगर उस पल जो समझ में आया वो बोल दिया। अब अगर आप चाहें तो इसके लिए कुछ पैसे काट सकती हैं। हाँ, वो काट सकती हैं आप। नहीं, तुम जो कुछ भी बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, और लोगों को भी। तुमने देखा था ना किस तरह तालियां बजाई थी लोगों ने, और अब तुम उन्हीं लोगों को छोड़ के जाना चाहते हो। अरे यहाँ तालियां तो सड़क पर बंदर के खेल पे भी बजती हैं मेरे साथ, तालियों का क्या करेंगे? चलिए ठीक है, वो जो भी उल्टा सीधा था उस सब हमने बोल दिया, पर अब क्या? कुछ नहीं। और ये आपके पांडे जी हैं कि इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए। अरे भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो आजाद, मैं तुम पांडे जी जाना चाहते हो? जाओ, पर मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, जाने से पहले उनसे मिलते जाओ। देखो गुरु, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पिछले रास्ते से निकल चलते हैं। चलो भाई। नहीं यार, मिलने में क्या है, मिल लेते हैं। किधर है? इधर, मैं आता हूं। आइए। मैम साहब, ये क्या है? ये सब ये लोग समझ रहे हैं कि मैं तो, और इनको कोई समझाता क्यों नहीं कि मैं तो इसीलिए रोक रही थी तुम्हें। जो उम्मीद, जो विश्वास तुमने जगाया है इनके दिलों में, उसे कोई मगर मैं वो आदमी नहीं हूँ जो ये लोग समझ रहे हैं। मैं नहीं हूँ। और आपने ऐसा करके अच्छा नहीं किया मित्र, मुझे यहाँ लाके आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं चला जाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, मगर ये लोग जब इनकी उम्मीदें, जब इनकी झूठी उम्मीदें टूटेंगी, तो इसके बारे में सोचा आपने? और ये क्या समझते लोग, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक खिलवाड़ समझ के यहाँ आया था, लेकिन मुझे लगता है कि आप जानती थी कि ये... नहीं, इतना तो मैं भी नहीं जानती थी। गुरु, ये लोग तो पता नहीं तुम्हें क्या समझ रहे हैं। इनके लिए तुम एक ही काम कर सकते हो, यहाँ से चले चलो। ये झूठ जितनी जल्दी खुल जाए इनके लिए उतना ही अच्छा है। मैम साहब, आपने इन गरीबों के साथ और मेरे साथ अच्छा मजाक नहीं किया।